So very good morning beta, we are doing chapter number 12, organic chemistry, some basic principles and techniques, and in which we discuss about the IUPAC nomenclature of organic compounds, different types of organic compounds. That is simple organic compound, that is simple alkanes, saturated hydrocarbons only. Unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double or triple bond, that is alkenes or alkynes. And the IUPAC nomenclature of organic compound containing one functional group as well as multiple number of functional groups in the compound. Today we will discuss the next type of nomenclature, that is your how to write the chemical formula, or you can say structural formula, from the IUPAC name of the compound. Means to say, मान लीजिए आपको IUPAC name given है, आपने name से chemical formula यानी means to say structural formula write down करना है किसी भी particular organic compound का. तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी कुछ rules होते हैं. सबसे पहले very first rule, हमने जो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन कंसीडर करनी है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने वर्ड रूट देखना है. वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करनी है बिफोर राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज देयर, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द वर्ड रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. हमने उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम में वर्ड रूट को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अपनी पेरेंट चेन में इंट्रोड्यूस करने हैं. ठीक है जी. आफ्टर दैट आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आ जाएंगे. सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, कार्बन आइटम चेन को किसी भी एंड से, आइदर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, नंबरिंग कर देनी है उसकी. मान लीजिए जैसे 7 कार्बन एटम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक उसकी नंबरिंग कर देनी है. ठीक. थर्ड केस में आपने सफिक्स आइडेंटिफाई करना है, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आइडेंटिफाई करना है. मीन्स टू से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, मीन्स एन है या ईन है या आयन है, ये देखना है आपने. ठीक है जी. थर्ड स्टेप में जाकर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करना है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. कहने का मतलब ये है, सारे के सारे एटम सिंगल बॉन्डेड है. अगर सिंगल बॉन्डेड हुए तो आपका प्राइमरी सफिक्स वहां पे एन लगा होगा, आपका जो आईयूपीएसी नेम आपको गिवन होगा वहां पे एन लगा होगा. अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगा होगा. अगर मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन लगा होगा. अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राई ईन लगा होगा, इस तरह से लगा होगा. ठीक है. अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा होगा रिस्पेक्टिवली. देन आफ्टर फाइंडिंग द प्राइमरी सफिक्स एन ईन और आइन, इन द नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द नेम एंड पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. थर्ड स्टेप में आपने डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिया या ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन एटम के साथ लगा उस कार्बन, मान लीजिए 2 ईन लिखा हुआ है तो सेकेंड कार्बन एटम के साथ आपने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा देना है. नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है पोजीशन ऑफ कार्बन एटम विच बियर्स द फंक्शनल ग्रुप एंड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है. ठीक है जी. किस कार्बन एटम के साथ और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो आपने आइडेंटिफाई करना है. एंड इन द नेक्स्ट कमिंग स्टेप में नेम्स एंड पोजीशंस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट हैं आईयूपीएसी नेम में, आपको अदर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वहां पे जो एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट होंगे, वो आपने एज इट इज वहां पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसके ऊपर आपने इंट्रोड्यूस करवा देना है उसको. ठीक है जी. और एट लास्ट फॉर चेकिंग द टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन एटम, मीन्स कार्बन ने टोटल 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो जहां पे तो बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो गए वो तो ओके, जहां पे नहीं हुए वहां पे रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को इंट्रोड्यूस करवा देना है इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये आपकी एग्जाम्पल है, आपके पास है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल,
ये IUPAC नेम गिवन है, आपने क्या करना है, राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आई यू पी ए सी नेम ये है 6-hydroxyheptanol। तो सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन आइडेंटिफाई करनी है, वो कहां से पता चलेगा, वर्ड रूट से। वर्ड रूट कौन सा है, ये हेप्ट, दिस इज वर्ड रूट। हेप्ट में इस टू से टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बे टू कितने हो गए, 7 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लग गए आपके। फिर एन लगा हुआ है, ये वाला, ये प्राइमरी सफिक्स एन, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है AN, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अल, ये अल जो है ये होता है आपके पास सेकेंडरी सफिक्स, और ये किसका है, फंक्शनल ग्रुप का, ये फंक्शनल ग्रुप होता है सेकेंडरी से। अल, अल किस में लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप होता है, या तो चेन के एंड में लगता है या चेन के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है जी। तो आपके पास ये कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्योंकि हेप्टेन अल है, अगर सीधा होना जैसे इस तरह से हेप्टेन अल, इसका मतलब वन अल होता है, मतलब ये पोजीशन वन होती है। अगर कोई पोजीशन मेंशन नहीं की हुई है सेकेंडरी सफिक्स की, इट मींस टू से वो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ही प्रेजेंट है। तो जो आपका आइदर स्टार्टिंग वाला फर्स्ट कार्बन एटम या लास्ट वाला कार्बन एटम, इसके साथ हम क्या करेंगे, आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा दे। अब क्योंकि नंबरिंग यहां से की है हमने, हेप्टेन अल मींस हेप्टेन वन अल है, तो हम फर्स्ट कार्बन एटम को कन्वर्ट कर देंगे किस में, फंक्शनल ग्रुप में। कौन सा, एल्डिहाइड कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप लग गया आपका, ठीक है बेटू जी। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक। नाउ सिक्स हाइड्रोक्सी मींस अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन वो एज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ना कि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो एक आपका प्रिंसिपल ग्रुप रहेगा, जैसे इस केस में एल्डिहाइड प्रिंसिपल ग्रुप है, ये वाला अल लग रहा है पीछे, तो ये प्रिंसिपल हो गया, जो बाकी के बचेंगे वो एज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। तो वहां पे क्या है, सिक्स हाइड्रोक्सी मतलब सिक्स कार्बन एटम के साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 यहां पे आप OH लगा दोगे, कंप्लीट हो गया। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे, ठीक है, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस हो गए। अब हमने लास्ट में क्या करना है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन चेक करनी है कि कार्बन अपने चार बॉन्ड बना रहा है हर एक जगह पे या नहीं बना रहा है। जैसे इस कार्बन एटम के 1 2 3 4 कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन एटम के 2 ही बन रहे हैं, 1 and 2 मींस टू से 2 हाइड्रोजन एटम यहां पे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहां पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं और 1 हाइड्रोजन एटम, यहां पे 1 है इस कार्बन एटम का, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स यहां पे इंट्रोड्यूस होंगे। यानी आपके पास अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया, CHO, CH2, 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 CHOH and CH3। In this way, you can write the structural formula of the compound from given IUPAC name. एक example और discuss कर लेते हैं। Similarly, जैसे ये है आपके पास pent-4-in-2-ol, pent-4-in-2-ol, ये है आपका IUPAC नेम गिवन है बेटू। सबसे पहले ये है आपका वर्ड रूट, ठीक है, ये है आपका 4-in, क्या है मतलब इन लगा हुआ है, इन मींस टू से आपका प्राइमरी सफिक्स, 1 degree सफिक्स बोलेंगे इसको, और 2-ol यानी ये है सेकेंडरी सफिक्स,
ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी, मतलब अब फोर इन, सबसे पहले पेंट, पेंट में इस पांच कार्बन आइटम की चेन होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन आइटम की चेन होगी, 4 इन, फोर्थ कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन आइटम है, यहां पे ये डबल बॉन्ड, जिस तरफ से काउंट करेंगे, जिस तरफ से काउंटिंग होगी वो कार्बन आइटम काउंट करके उसके साथ, ठीक है, आपने बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना है, 4 E हो गया, 2 O, मतलब सेकेंड कार्बन आइटम के साथ ओल, ओल मीन्स हाइड्रोक्सिल एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका नेम हो गया, बाकी टेट्रावेल नेचर को कंप्लीट कर देना बाय पुटिंग या बाय एडिंग रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम विद ईच कार्बन आइटम, इस केस में कितने आएंगे 3, इस केस में 1, इस केस में कितने आएंगे 2 बॉन्ड हैं तो 2 और आ जाएंगे, यहां पे H, क्योंकि इस कार्बन आइटम के 2 हो गए, इस कार्बन आइटम 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 और 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, और यहां पे भी 1 हाइड्रोजन, दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर लेनी है, बोथ IUPAC नॉमेनक्लेचर इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है जी, इसी तरह से जैसे ये है आपके पास 2 chloro 2 methyl butane 1 ol, 2 chloro 2 methyl butane 2 butane 1 ol, ब्यूटेन 1 ol, ये है बेटा नेम आपका, अब सबसे पहले क्या देखना है वर्ड रूट, वर्ड रूट कौन सा है ब्यूटेन, मतलब ब्यूट, ये आपका वर्ड रूट है, दिस इज अ वर्ड रूट ब्यूट, ये आपका वर्ड रूट आ गया, ब्यूट मीन्स टू से बेटा 4 कार्बन आइटम्स आर देयर, 4 कार्बन आइटम्स होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग जहां से मर्जी कर दीजिए, इस साइड से करनी है उस साइड से कर दो, इस साइड से करनी है इस साइड, जैसे मर्जी कर दीजिए आप, ठीक है, मान लो यहां से करते हैं 1 2 3 4, जैसे मर्जी कर सकते हो नंबरिंग, एन है दिस वन, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, 1 ol, फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ ol, ol मीन्स OH ग्रुप लगा हुआ है, वो यहाँ पे लगा दीजिए, OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स, अब हेलो ग्रुप भी लगा हुआ है, वो एज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों कहाँ पे 2 chloro 2 methyl, मतलब सेकंड कार्बन आइटम के साथ क्लोरो ग्रुप भी लगा हुआ है और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो 1 ये 2 है, एक तरफ Cl, एक तरफ मिथाइल CH3, ये बन गया आपका 2 chloro 2 methyl butane 1 ol, बाकी जो कार्बन आइटम्स है उनके साथ आप रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स को इंट्रोड्यूस कर दोगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 और लग जाएंगे CH2, यहाँ पे इसके चारों कंप्लीट हो गए, इसके सिर्फ 2 हैं तो 2 लग जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन आइटम का सिर्फ 1 है तो इसके 3 लग जाएंगे, दिस विल बी योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इन दिस वे यू कैन राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्होज IUPAC नेम्स आर गिवन, ओके, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। नाउ नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में, साइक्लिक कंपाउंड्स, नाउ साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में वैसे तो सेम ही रहता है जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन यहां पे एक प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज नोन एज
साइक्लो, ठीक है, अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड यूज होगा उस केस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये आपके लिए कंपाउंड्स हैं, सबसे पहला क्या करना है, प्रीफिक्स लेना है साइक्लो प्रीफिक्स, जैसे मैंने आपको बोला ये कॉरस्पॉन्डिंग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो भी आपके पास है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कंपाउंड है, हम कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, नॉमेनक्लेचर ऑफ रूल्स फॉर नॉमिन नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की करेंगे, रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक दो तरह के थे ना, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक, तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक के करेंगे, मतलब जो साइक्लिक होते हैं बट इनकी जो नेचर रहती है वो एलिफैटिक कंपाउंड जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं उनकी तरह ही होती है, ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि प्रीफिक्स ऐड होना है साइक्लो, जैसे ये कंपाउंड आपके पास ये थ्री मेंबर रिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब है देर आर थ्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट, इस तरह से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन टू एंड थ्री, ठीक है। अब क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, बाकी के जो भी होंगे वो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे इस केस में, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, तो इसका जो नाम आएगा थ्री कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है एन, प्रोपेन बन गया, लेकिन क्योंकि रिंग है तो इसलिए इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, मतलब साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। अगर मान लो कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है साइक्लोप्रोपीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है साइक्लोप्रोपाइन, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेग्स, अगर सिक्स कार्बन एटम प्रेजेंट है, सिक्स मेंबर रिंग है, इस तरह से ये वाली अगर रिंग प्रेजेंट है, दिस वन ये सिक्स मेंबर रिंग है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगर मान लो यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है तो साइक्लोहेक्सीन। अब इसकी नंबरिंग नंबर वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर उधर से कहीं पे नहीं, जब तक कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता अदर, तब तक वो एज इट इज ही रहेंगे। नाउ सेकंड, जैसे मान लो अब साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट लग गए आपके, ये तो हो गया फर्स्ट की साइक्लो सिंपल वर्ड सिंपल नेमिंग है। नाउ अगर साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर आपकी क्या लग जाए, साइड चेन इंट्रोड्यूस हो जाए, जैसे ये कोई फाइव मेंबर रिंग है, ये फाइव मेंबर रिंग है आपकी इस तरह से, तो इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, फाइव मेंबर रिंग है, साइक्लोपेंटेन है ये, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर दो ग्रुप साइड चेन सब्सटेंस लग गए, एक यहां पे सी एच थ्री, एक यहां पे सी एच थ्री, ये टू लग गए सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो एज इट इज नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे उस टर्मिनल से जहां पे आपके फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसकी नंबरिंग चाहे यहाँ से शुरू कर दो चाहे यहाँ से शुरू कर दो, अगर यहाँ से करोगे तो इस तरफ चलना है, अगर यहाँ से शुरू कर दोगे तो क्लॉक वाइज चलना है, तो वन एंड टू, तो क्या नाम आ जाएगा, वन टू डाइमिथाइल, जो सब्सटेंट है वो साइक्लिक नहीं है ना, तो इसलिए वन टू पहले, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं जो सब्सटेंट को डिनोट करता है, तो वन टू डाइमिथाइल, दोनों हो गए। साइक्लो किसके ऊपर है, पेंटेन है, साइक्लो पेंटेन, दिस इज हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। सिमिलरली अगर मान लो दो डिफरेंट है, यहां पे मान लो सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको नंबरिंग प्रेफरेंस देनी है, तो नंबरिंग फिर यहां से स्टार्ट होगी वन एंड टू, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, वन इथाइल टू मिथाइल, इसका नाम आ जाएगा साइक्लोपेंटेन एज इट इज रहेगा क्योंकि पांच ही कार्बन एटम है, लेकिन वन इथाइल टू मिथाइल, वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो
पेंटेन, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास दो अलग अलग चेन्स में प्रेजेंट है, मान लीजिए जैसे ये है आपके पास सिक्स मेंबर रिंग है कोई, यहां पे टू सी एच थ्री ग्रुप लग गए और यहां पे आपके पास सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है। अब जो आपकी नेमिंग होगी, अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास ये, अगर यहां से नेमिंग अल्फाबेटिकली करते हैं तो वन टू टू आता है, वन टू टू, ठीक है। अगर ये वन टू टू आता है तो इसमें लोएस्ट सेट की तरह आ जाता है, टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव बन जाता है। अगर इसको वन देते हैं तो वन वन टू आता है, वन वन टू, तो लोएस्ट सेट ये बन रहा है फिर वन वन टू वाला, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ पे देंगे वन टू, इसको नंबरिंग देंगे। लोएस्ट सेट रूल अप्लाई करना है, लोएस्ट सेट रूल अप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा इस केस में, नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे तो नाम क्या आ जाएगा आपका, वन टू इथाइल, टू इथाइल वन वन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज टू इथाइल वन वन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लियर बेटा। इन दिस वे यू कैन राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। इसी तरह से अगर आपके पास अदर देन, जैसे साइड चेन में प्रेजेंट है अदर कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, तो उस केस में आपके पास ही आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी साइड चेन में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन आइटम से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, ये भी कई बार होता है, जैसे ये है आपके पास, ये फोर कार्बन एटम मेंबर रिंग है, ठीक है, फोर कार्बन एटम मेंबर रिंग, इसके ऊपर लगा लग गए ये वाले सी 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 सी, ये लग गए सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ये है। तो अब रिंग कितने की, चार कार्बन एटम की, फोर कार्बन एटम दार दे रहे इन द रिंग, बट इन द साइड चेन देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन एटम्स, तो बेटा उस केस में ये वाली रिंग जो है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, वो पेरेंट चेन आपकी वो ओपन चेन वाली हो जाएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी कंसिडर करनी होती है ना, वो रूल हमेशा अप्लाई रहेगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो थ्री अब साइक्लोब्यूटाइल बनेगा ये, क्योंकि ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो थ्री साइक्लो ब्यूटाइल हेक्सेन ये नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस केस में। बाकी अगर मान लीजिए आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो साइड चेन में प्रेजेंट है, तो फिर पेरेंट चेन साइड चेन ही रहेगी, फिर रिंग चाहे जितने मर्जी बड़ी कार्बन आइटम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग है, ठीक, यहां पे आपके पास, यहां पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है एक, और ये लगा हुआ है, तो यहां पे अगर ये कार्बन आइटम रिंग कितने की है, सिक्स मेंबर, लेकिन जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है वो साइड चेन में प्रेजेंट है, ये कार्बन आइटम्स होते हैं ना, वन टू थ्री, तीन कार्बन आइटम की चेन बन रही है, ये देखिए ये वाली थ्री कार्बन आइटम्स की चेन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, सी एच, ये सी एच थ्री है ऊपर, फिर आगे सी एच, यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है, लास्ट में सी एच थ्री, ये है ये वाला कंपाउंड ना, इस तरह से लिख सकते हैं हम सी एच थ्री, एक दो तीन चार, ठीक है, ऊपर सी एच थ्री, फिर आगे ये वाला सी एच आ गया, ओ एच लगा हुआ है, लास्ट में एक सी एच थ्री। अब देखा जाए तो साइड में सिर्फ तीन कार्बन आइटम प्रेजेंट है, ठीक है,
और ये रिंग सिक्स मेंबर्ड है, तो इस केस में अब पेरेंट चेन जो होगी वो साइड चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, साइड चेन में फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो साइड चेन की अब नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, पूरी चेन आ जाएगी 4 कार्बन एटम्स की, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, थर्ड पोजिशन के ऊपर ये जो है ये एज एक्ट करेगा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे, 3-cyclohexyl, 3-cyclohexyl। आगे क्या है, कितने कार्बन एटम है, 4, ब्यूटेन सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे, ब्यूटेन सेकंड कार्बन एटम के साथ OH लगा हुआ है, ब्यूटेन 2-ol। इन दिस वे यू कैन राइट द IUPAC नेम ऑफ द एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप इन द साइड चेन। अगर फंक्शन ग्रुप यहां पे होता तो फिर ये पेरेंट चेन रहनी थी, ये आपकी साइड चेन बन रही। अगर पेरेंट यहां पे होता, अगर ये मान लीजिए यहां पे OH ग्रुप होता, इस पे OH ग्रुप होता और ये एज इट इज होती, ये एज इट इज होता उस केस में, तो फिर ये आपका पेरेंट चेन बनना था, तो यहां से 1-2 ऐसे करनी थी, ठीक है, फिर 2 ये आपकी कॉम्प्लेक्स चेन बन जानी थी वहां पे, फिर इस तरह से करना है। तो ये 2 है, फिर आगे फिर इसकी नेमिंग अलग से, यहां से 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका जो अब नेमिंग बनेगा, इसकी नेम जो बनना है, अब इसका जो नेम बनेगा, अब ये 4 कार्बन एटम क्या नहीं रहा, तो इसमें 2 के बाद ब्रैकेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन 1 मिथाइल 1, 2, 3 प्रोपाइल, आगे साइक्लो हेक्सेन 1-ol, ये इसका नेम इंट्रोड्यूस हो जाना था अगर इस तरह से करते तो। लगे बेटा पता, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर। और अगर आपके मान लो डबल बॉन्ड भी है और फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट भी है कोई, तो उस केस में फिर जैसे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके फंक्शन ग्रुप की तरफ हमने नोमेनक्लेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है, सिक्स मेंबर है, यहां पे रिंग है, यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, अब इसकी नेमिंग करनी है, तो अब नंबरिंग कहां से शुरू होगी, यहां से 1, 2, 3 इस तरह डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, और यहां पे बन जाएगा 3-nitrocyclohexyl, 3-nitrocyclohexyl, ये कंपाउंड का नेम बन जाएगा, ठीक है जी। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द कंपाउंड। इसी तरह से अगर मिथाइल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे मान लो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता तो नंबरिंग फिर यहां से दे देनी थी इस कार्बन एटम से। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो रहता है वो आपका रहते हैं, इस तरह से हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन दिस वे यू कैन राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड्स। फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है, मेन फंक्शन ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, या आपके पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर नंबरिंग जो है वो उसी कार्बन एटम से होगी जिस कार्बन एटम के साथ वो प्रेजेंट है, ये याद रखना है आपने। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है जी। तो इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से दोबारा से सारी की सारी अच्छी तरह से ये कर लेनी है थोरोली, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डियर।